ये मेरा प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरा किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए वीडियो है एज ए डॉक्टर। मेरी ये मतलब दिली इच्छा है और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर किसी के बच्चे की आँख में भेंगापन है, किसी के बच्चे की आँख में स्क्विंट है, वो भेंगा देखता है, तो आप सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय आएँ। इसका मैं विजिट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और हम आप्टे मैम को दिखाते हैं, रश्मि आप्टे नाम है वो डॉक्टर का जिसको हम दिखाते हैं, जो बच्चों की डॉक्टर है, बच्चों की आँखों की डॉक्टर है, तो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। मतलब वो बड़े लोगों का ऑपरेशन भी करती हैं, छोटे लोगों का, और यहाँ गरीबी रेखा वालों के लिए भी यहाँ पे निशुल्क मतलब उपचार किया जाता है। अगर आप कहीं दूर से हैं, भोपाल से दूर से हैं, वैसे सेवा सदन की कई और ब्रांचेज हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बैरागढ़ में है, बैरागढ़ में संत हिरदाराम चौराहे से अंदर आप आएंगे पुलिस थाने के पास से, तो आपको ये रास्ता मिल जाएगा और पूरी जगह सेवा सदन की है। मतलब मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर एक से बढ़ के एक स्क्विंट का इलाज, जिनकी आँखें बिल्कुल तिरछी हैं, उन बच्चों का इलाज किया जाता है और बिल्कुल बहुत ही सही दामों पर और बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है। एक वीडियो और मैंने इसका डाला हुआ है। और यहाँ की फ़ीस के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, 150 रुपये आपकी फ़ीस है। 150 रुपये आज के ज़माने में मतलब मैं ये कहूँ कि कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। और 150 रुपये में यहाँ के जो है मतलब आपको ट्रीटमेंट करके देते हैं, एक से बढ़ के एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। किसी को मोतियाबिंद है, स्क्विंट है, आँख से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा, ज़रूर ज़रूर आइएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे की आँखें तिरछी हैं, भेंगापन है किसी तरीके का, तो आप यहाँ पर आके दिखाइएगा, आपका कम से कम रेट में उसका ट्रीटमेंट हो जाए और बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। मैंने कई सारे लोगों को ये चीज़ सजेस्ट की है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया भी है। और गरीबी रेखा वालों के लिए, नीले पीले राशन कार्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा है। यहाँ पे रहने खाना बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब और जगह के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता है। और डॉक्टर्स आपको एक से बढ़ के एक मिलेंगे, रेटिनोपैथी के अलग अलग तरीके के डॉक्टर मिलेंगे। और यहाँ पर आप ज़रूर विजिट कीजिए अगर भोपाल से आसपास के, अगर आपके बच्चों के आँखों में तिरछापन है तो आप ज़रूर विजिट कीजिए, मैं तो ये कहूँगी। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे की आँख में तिरछापन है, स्क्विंट है, उसकी एक आँख तिरछी है, भेंगापन है, भेड़ापन है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा, आँख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, यहाँ सुनिश्चित हल है बिल्कुल। तो चलिए, ये वीडियो मेरा किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को मतलब प्रमोशन वीडियो, ये मेरा प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरा ऐसा वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उनकी हेल्प हो सके। और ये वीडियो जो है मतलब वहाँ पे परमिशन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मेरे को वीडियो बनाते हुए देखा तो वहाँ पे उनका सर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैम वीडियो डालना अलाउड नहीं है, तो मैंने बोला नहीं सर, ये वीडियो मैं जो है अच्छे के लिए डाल रही हूँ, लोगों की हेल्प के लिए डाल रही हूँ। लोगों ने, कई सारे लोगों ने मतलब इससे मदद मिलती है लोगों को, तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के साथ साथ मैं जानती हूँ कि जब हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो हम लोग उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे माता पिता गरीब हों, अमीर हों, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हों, चाहे बहुत ज़्यादा गरीब हों, मजदूर वर्ग के लोग हों, लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और यहाँ पर हम लोग बेबी के लिए चश्मा बनवा रहे हैं, और बेबी का चश्मे का जो कांच है वो नंबर उसका उतना ही है, और लेकिन उसका जो फ्रेम था वो बच्चे हैं ख़राब कर देते हैं, वही चेंज करवा रहे हैं। और 400-500 रुपीज़ जो है फ्रेम का चार्ज है, जो भी टूटने वाला नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा फ्रेम इन्होंने पहले हम लोगों को लगा के दिया था, पैर रखने के बाद में, तोड़ने मरोड़ने के बाद भी वो फ्रेम नहीं टूटा, तो उसी तरीके का फिर से डलवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहीं भी रख के भूल जाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत ही अच्छा चश्मा इन्होंने बना के दिया था और बहुत ही कम रेट है, आप अगर मार्केट में देखेंगे तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रेट है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम रेट है। तो बस कुछ इस तरीके से ही है मेरा वीडियो, देखो बिल्कुल अच्छा लगा। हम लोग बैठे सेवा सदन में, बेबी और बेबी आ गई, अपना चश्मा चेंज करके नया वाला लगवा के आ गई। कैसी लग रही है भैया, कितनी स्टाइल मार रही है, देखो बेबी आर अपडेट है ना, बेबी आर 1.002। कैसी लग रही है, देखा नहीं था, देख और ये पूरा हॉस्पिटल है एकदम क्लीन एंड क्लियर मिलेगा आपको। और यहाँ के जो नर्सेज, यहाँ के जो वर्कर्स लोग हैं ना, उनका व्यवहार आप देखेंगे ना तो आपकी फैमिली में कोई ऐसी केयर नहीं कर सकता जैसी केयर वो लोग आपकी करेंगे। और मैं ये कहूँगी कि देखिए बेबी अपना चश्मा दिखा रही है, वही यहाँ पर वीडियो बना रही है, बहुत सारे बच्चे हैं और इतने कम दाम में यहाँ की रेट है, मतलब इतना कम प्राइस है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर एक बार तो विज़िट कीजिए, 150 रुपये में क्या जाता है इंसान, 150 रुपये का तो फुल्की मंचूरियन
खा लेता है कहीं भी, हम अपने बच्चे के लिए खर्च नहीं कर सकते क्या 150 रुपये? और आप अदर डॉक्टर्स के पास जाइए, आँख वाले के पास तो 1000 रुपये 500 रुपये से कम नहीं लेगा आपका, और इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं यहाँ के। आप चाहे तो अपने मोतियाबिंद का इलाज, मतलब यहाँ पे जितनी भी सर्जरी हुई है, मैंने बहुत सारी सर्जरी के फ़ोटोज़ देखे, मैंने खुद ने अपने आँखों देखी बहुत सारी सर्जरीज देखी हैं, मैंने बहुत सारे अपनों की सर्जरी करवाई है यहाँ से, बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक किया है। तो इसलिए इस हॉस्पिटल से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, और भगवान करे इसमें जो भी आए बहुत जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर्स को भगवान इतनी शक्ति दे, इतनी क्षमता दे कि वो बहुत अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लोगों के लिए दे पाएँ। ये बाहर से हॉस्पिटल है और यहाँ की गाड़ियाँ हैं, निःशुल्क उपचार है, और ये सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय देखिए संत हिरदाराम नगर भोपाल। आप जब भी आएँ तो यहाँ पे आएँ, आप लोकेशन सर्च मार लें लालघाटी पे आके। अगर आप लालघाटी तरफ से भोपाल तरफ से आ रहे हैं तो न्यू मार्केट साइड से आ रहे हैं तो उस तरफ से भी आप लालघाटी आएँ। कहीं से भी आप आ रहे हैं भोपाल में, भोपाल के आसपास ब्यावरा नरसिंहगढ़ बैरागढ़ कहीं से भी, तो आप लालघाटी आएँ। लालघाटी आने के बाद में आप बैरागढ़ के लिए जाएँ, बैरागढ़ पर संत हिरदाराम चौराहा है, और इसके बाद में फिर मतलब ये देखिए ये हॉस्पिटल यहाँ तक फैला हुआ है, ये पार्किंग है, ये सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ का फ़ोन नंबर है, आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए नेत्र शिविर भी लगते हैं यहाँ पे, और वहाँ से जो रोगी लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और ये वहाँ का रोड है, मैं आप लोगों को दिखाती हुई जा रही हूँ, ये देखिए गुरुकृपा कलेक्शन, इसके पास से आप जाएँ, और ये पूरी जो है सेवा सदन की पार्किंग है। यहाँ पर ये सेवा सदन का पूरा पार्किंग लगाया हुआ है 4-व्हीलर 2-व्हीलर का, तो क्योंकि हॉस्पिटल बहुत पुराना है और अंदर की तरफ में बना हुआ है, लेकिन इतना अच्छा हॉस्पिटल है कि लोगों की ज़िंदगी सँवर रही है वहाँ आने से। तो आप लोग ज़रूर आएँ, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करें।